कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल निक्की बुटीक एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक DIY लेके आई हूँ। तो चलिए फिर देरी ना करके बिल्कुल फटाफट से रेडी करते हैं अपना आज का DIY, जो कि मैं बनाने वाली हूँ इस आटा चावल के बैग से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम इसको कैची से कट कर लेंगे। ये कैची मेरी खराब है, यानी कि मैं इससे कपड़े वगैरह नहीं काटती हूँ। आप भी कोई जो कपड़े काटने वाली कैची है ना, उसका यूज ना करके कोई पुरानी कैची है उसका यूज करें। तो इस तरह से हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ रखेंगे हम 26 और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 9 इंच। तो इस पर निशान लगा के इसको 9 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से। तब इस निशान को हम इसके साथ इस तरह से सीस ले लेके निशान को कट कर लेंगे। बच गया है, इसको हम नेक्स्ट कभी दूसरे DIY के लिए यूज करेंगे। तो ये इस तरह का हमारा बैग की कटिंग कर दी है हमने। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको हम इस तरह से बराबर करके लेंगे और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को हल्का सा यूं कट मार लेंगे, जैसे कि ये मार दिया मैंने। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने कपड़ा लगाना है। कपड़ा हम इसके दोनों साइड लगाएंगे और जो इसका कपड़ा है ये हम पर्दे के कपड़े से ही करेंगे। ये पर्दा का कपड़ा, ये इसी के साइज का है। इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से और एक और पीस कट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आगे और पीछे दोनों साइड में इसी को लगाना है। इस तरह से। अब इसमें हमने बनानी है पॉकेट। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। तो पॉकेट की लेंथ होगी जो हमारी, वो हो रखेंगे हम 8 इंच की। 8 इंच यहाँ पे रखेंगे और 8 इंच हम यहाँ पे भी रखेंगे और एक 8 इंच की हम सबसे ऊपर बनाएंगे। तो ये 3 पॉकेट बनेंगी हमारी इसमें। अब हम इसमें से पहले कपड़ा कट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें से 8-8 इंच की पॉकेट भी निकाल लेंगे। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि सिलाई भी करनी है उसके ऊपर से। और इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई इसकी है 9 इंच, तो 9 इंच की हम चौड़ाई भी रखेंगे इस तरह से। तो हमें कट करनी है 3 पॉकेट। तो ये हमारी पॉकेट भी कट गई है और ये उसका पीछे का जिसमें हमने पॉकेट लगानी वो भी कट हो गया। तो अब चलते हैं सीधा मशीन के साथ। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर ये राइस बैग डाल दिया है और बाहर से दोनों साइड से कपड़ा लगा के इसके चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम जो इसके कॉर्नर है इनको पहले हम सिल लेंगे।
और अब हम इसको इस तरह से जब हम दूसरा पॉकेट लगाएंगे तो इसको लगाएंगे हम कुछ इस तरह से। यहाँ से जो ये वाला पॉकेट है उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर से ही इसको भी लगाएंगे और उस पर हम करेंगे एक सिलाई। इसको रख देंगे उल्टा और इसके ऊपर से एक सिलाई मारेंगे इस तरह से। और जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये पॉकेट हमारा यहाँ से बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये पॉकेट आ जाएगा हमारे यहाँ से ये वाला। और ये दूसरा वाला जो कि मैंने इधर से सिलाई करके इसको ऊपर की तरफ को मोड़ लिया है और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं पहले। इस तरह से। और अब हम जो इसका तीसरा पॉकेट है उसको भी इसी तरह से सिल लेंगे हम यहाँ से सेम उसी तरीके से। इसको नीचे की तरफ ये पॉकेट है इसको उल्टा रखना है और इसे इस तरह से। इस तरह। और अब हम इसके के साथ भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हो गया ना एक पॉकेट दो पॉकेट और ये तीसरा पॉकेट। अब हम इसके चारों तरफ से एक पाइपिंग करके इसको अच्छा सा बना लेंगे ताकि ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगे। और आप चाहे तो इसमें एक सिलाई और देखिए इसके दो पार्ट कर सकते हो पर ये एक पार्ट ही ज़्यादा सही है। इसमें आप कुछ भी अपने किचन में रख दीजिए बच्चों की जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। बच्चों की पेंसिल वगैरह रख सकते हो आप इसे चाहे अपने बाथरूम में रख सकते हो कहीं भी लगा ये वॉशिंग आप इसको धो भी सकते हो। इसमें से सामान निकाला और इसको मशीन में डाल के धो सकते हो। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये नीचे की तरफ से लग गए हैं अब लगाएंगे हम ऊपर की तरफ। तो जो उल्टा वाला हिस्सा है उसे डाल देंगे अंदर की तरफ। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे।
तो आप इसमें एक भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसको मैंने ये जो लेसेस लगाए ये मैंने चिपका के लगा रखी है इस पर, और अब ये चिपकी नहीं है, थोड़ा बहुत गीली है, ये थोड़ी देर में सेट हो जाएंगी। और ये देखिए इसकी पॉकेट बिल्कुल रेडी है, ये इसकी दूसरी पॉकेट और ये इसकी तीसरी पॉकेट। तो कितना सुंदर बन गया है ये। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी रेडी हो गया ये वाला DIY, और कितना आसान है इसको बनाना, और इसके ऊपर से मैंने ये लेसेस भी लगा दिए और ये और भी सुंदर हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर आपको इसी तरह के नए नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।